साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विभिन्न कोचिंगों के टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, और इसी कड़ी में हम लोग जो है जो फिजिक्स वाला और वनली आईएएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, उसी में से एक टेस्ट पेपर को जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित है, इस टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये आपके यूपी पीसीएस के साथ साथ जो आरओ एआरओ की परीक्षा होगी या आपकी जो बीपीएससी की परीक्षा होनी है, उन सभी के लिए भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृथ्वी पर सबसे पहले घटित हुई। चार घटना है, सरीसृपों का विकास, कीड़ों का विकास, शंखधारी जीवों का विकास या स्तनधारियों का विकास। इसमें सबसे पहले शंखधारी जीवों का विकास हुआ, इसके बाद आपका कीड़ों का विकास होगा, फिर सरीसृपों का, फिर स्तनधारी या मैमल्स का विकास होगा। अगला है, ग्रीनविच मेरिडियन रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। तो यह आपका फ्रांस, टोगो, अल्जीरिया से गुजरती है, परंतु मॉरिटानिया से होकर के यह नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा कि यह मॉरिटानिया से होकर के नहीं गुजरती। देखिए, प्राइम मेरिडियन जिसे प्रायः ग्रीनविच मेरिडियन के रूप में जाना जाता है, देशांतर की काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है, और यह ग्रीनविच लंदन की रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। तो ये जाती कहाँ कहाँ से, तो यह आपका यूके के ग्रीनविच लंदन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना से होकर गुजरती है और अंटार्कटिका तक फैली हुई है। आगे चलते हैं, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से। पहला, अग्नेय चट्टानों का निर्माण कायांत्रित चट्टानों से हो सकता है। अग्नि मतलब इग्नियस रॉक और आपका कायांत्रित मतलब मेटामॉर्फिक रॉक, ये कथन आपका सही हो सकता है। दूसरा, कायांत्रित चट्टानों का निर्माण जो है, मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं इनका निर्माण अग्नि चट्टानों से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जो कायांत्रित चट्टानें हैं इनका निर्माण आपका मेटामॉर्फिक रॉक से ही, मतलब दूसरे जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं या इग्नियस रॉक हैं या जो सेडिमेंट्री रॉक हैं, उन सभी से हो सकता है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, उपग्रह और वो उपग्रह किस ग्रह से संबंधित हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पर जो ट्राइटन है ये आपके वरुण के ग्रहों में से एक है। कैलिस्टो जो है आपका बृहस्पति के जो कई सारे ग्रह हैं, आयो, यूरोपा, गिरीमेट और कैलिस्टो, तो ये बृहस्पति से संबंधित है। ओबेरॉन ये अरुण ग्रह से, अरुण या यूरेनस कह सकते हैं। ठीक है, तो तीन से, रिया जो है ये शनि के जो ग्रह हैं जैसे कि टाइटन, रिया, उसमें शामिल है। तो यहाँ पे चार से मिला देंगे, तो 1, 2, 3, 4 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो पहले देखिए बृहस्पति हुआ करता था, अब वर्तमान में कौन है, शनि है। बृहस्पति के 95 हैं और शनि के कितने, 145 हैं। आगे चलते हैं, रेपिटी असंबद्धता या रेपिटी डिसकंटिन्यूटी किन भूपरतों के मध्य अवस्थित है। तो यह ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य में अवस्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो आपके असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी है, तो जो ये हैं आपकी पांच हैं, मुख्यतः पांच हैं, इन पांचों को क्रम याद रखिएगा। सबसे ऊपर आपका कॉनराड है, ठीक है, इसके बाद मोहरबिक, इसके बाद रेपिटी है, इसके बाद गुटेनबर्ग है, और फिर आपका लेहमैन है। ठीक है, CMRGL, तो इस प्रकार से ये क्रम है। अगला है, कौन सी वायुमंडलीय घटना चंद्रमा के चारों ओर एक गोलाकार इंद्रधनुष जैसा प्रभाव मंडल का कारण बनती है। तो ये सिरसा बादलों में बर्फ के क्रिस्टल। देखिए, जब चंद्रमा के चारों ओर गोलाकार इंद्रधनुष जैसा प्रभाव मंडल दिखाई देता है, तो यह आमतौर पर उच्च ऊंचाई वाले बादलों, विशेष रूप से सिरस बादलों में बर्फ के क्रिस्टल के माध्यम से चांदनी के अपवर्तन के कारण होता है। अगला, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको तीन कथन दिए गए हैं। पहला है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच का क्षेत्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहलाता है, ये सही है। विश्व का सर्वाधिक तापमान यहीं पाया जाता, नहीं, सर्वाधिक तापमान आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तीसरा, सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है, सर्वाधिक वर्षा जो है इसी क्षेत्र में होती है, ये कथन आपका सही है। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें सही कौन सा है। दक्षिण अमेरिका व महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है, नहीं। अफ्रीका
महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका से ना तो भूमध्य रेखा गुजरती है ना ही कर्क रेखा गुजरती है, ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर पहला गलत दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, भू आकृतियाँ और उस भू आकृति का कारक क्या है, किस वजह से वह लैंडफॉर्म या भू आकृति बनी है। तो जो रिया है, रिया नदी की वजह से नहीं बनती। देखिए रिया क्या है, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और नदी घाटी में बाढ़ आ जाती है तो ऐसी स्थिति में रिया का निर्माण, रिया तट का निर्माण होता है। रिया तट रेखा एक विशिष्ट उदाहरण है, एक जो है आप इसको दक्षिण पश्चिम आयरलैंड के तट को देख सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में। तो इस प्रकार से जो रिया जो लैंडफॉर्म है इसका निर्माण आपका समुद्र की वजह से होता है ना कि नदी। शर्क ग्लेशियर की वजह से, यारडांग पवन, घोलरंध या जो सिंक होल है ये क्रस्ट कास्ट। यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रस किस देश में अवस्थित है, तो यह आपका रशिया में अवस्थित है। ठीक है, माउंट एल्ब्रस जो है काकेकस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। जो काकेकस पर्वत श्रृंखला है ये रूस और जॉर्जिया की सीमा पर विस्तारित है और यहीं पर आपका माउंट एल्ब्रस है। आगे चलते हैं, कोरोलिसिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला, ध्रुवों पर कोरोलिसिस बल अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है क्योंकि भूमध्य रेखा पर यह शून्य तक पहुंच जाता है। इसमें बता रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो ये कथन सही है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में यह हवाओं के दाहिनी और विक्षेपण का कारण बनता है कि दक्षिणी गोलार्ध में यह बाईं ओर विक्षेपण का कारण बनता है। तो दो के दोनों कथन सही हैं। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन कोई भी ऐसा नहीं जो सही नहीं है। पी तरंग और एस तरंग, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स कह सकते हैं इसे, के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। दो यहाँ पे कथन दिए गए। पहला, एस तरंगे पी तरंगों की तुलना बहुत तेज चलती नहीं, पी तरंगे जो होती हैं वो एस तरंगों की तुलना में काफ़ी तेज चलती, पहला गलत होगा। दूसरा, पी तरंगों के विपरीत एस तरंगे गैसीय तरल और ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकती नहीं, जो पी तरंग होती है वो तीनों माध्यम में गुजर सकती है, परंतु जो आपकी एल तरंग है सॉरी एस तरंग ये तीनों माध्यमों से नहीं गुजर सकती है। ठीक है, वो केवल आपका ठोस से गुजरती है। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन क्या है, वो सही नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है, तो दोनों मतलब वन एंड टू, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। देखिए अभिकथन है कि प्रवाल भित्ति पानी के तापमान में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, सही है। कांड क्या है, पानी के उच्च तापमान से प्रवाल विरंजन, प्रवाल कोरल ब्लीचिंग हो सकता है, जहाँ प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जिससे वे सफ़ेद हो जाते हैं और संभावित रूप से मर जाते हैं। तो कथन कांड दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दो सूचियाँ दी गई भौगोलिक विशेषता और वो भौगोलिक विशेषता किस देश से संबंधित, ये हमें यहाँ पर हम सुमेलित करना है। देखिए जो आपका कोलका घाटी या कोलका कैनियन है ये कहाँ की है, ये पेरू की वंश मिला। नासिर झील जो है ये आपका मिस्र और सूडान में है, तो चार से मिला दीजिए। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका, दो से मिलाई। मुजावे रेगिस्तान, देखिए जो कोलका कैनियन है ये पेरू का है, ठीक है। नासिर झील आपका मिस्र और सूडान का है। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका। मुजावे रेगिस्तान कहाँ पे है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, तीन से मिला दीजिए। तो 1, 4, 2, 3 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की यह परत उत्तरी और दक्षिणी रोशनी, मतलब उत्तरी रोशनी क्या बोलते हैं, अरोरा बोरालिस, और दक्षिणी रोशनी को अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है क्योंकि सूर्य से आने वाले आवेशित कण इस क्षेत्र की गैसों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत की चर्चा की गई, तो यह आयन मंडल या आयनोस्फीयर की चर्चा की गई। अगला है भूमध्य सागरी जलवायु, भूमध्य सागरी जलवायु के संदर्भ में जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। पहला, ग्रीष्म ऋतु आमतौर पर आर्द्र होती है जिसमें भारी वर्षा होती नहीं। भूमध्य सागरी जलवायु में क्या होता है कि जो शीत ऋतु होती है वो आमतौर पर आर्द्र होती है और जो वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है, तो पहला कथन आपका गलत होगा। दूसरा, इस क्षेत्र में जैतून के पेड़ और अंगूर की लताएं पनपती हैं, सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं, पहला वाला, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। तो देखिए कथन है कि पृथ्वी की वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, सही है। ये कथन पूरी तरीके सही है। कारण,
आयतन के हिसाब से नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 90% हिस्सा बनाती नहीं 78% हिस्सा बनाती है, ऑक्सीजन 21%, और तीसरे नंबर पे आपका आर्गन गैस है, ठीक है, AR आर्गन 0.93%। तो इस प्रकार से कथन तो सही परंतु कारण गलत दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित पवन प्रणालियों को उनके अक्षांशीय अवस्थित के आधार पर व्यवस्थित करें। तो जो सबसे पहले आपका व्यापारिक पवन आएगा, व्यापारिक पवन है, फिर आपका पछुआ पवन है, फिर ध्रुवीय पवन है, ठीक, 1, 2, 3 डी ऑप्शन। आगे बढ़िए, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि पृथ्वी की धुरी का झुकाव ऋतुओं में परिवर्तन का प्राथमिक कारण है। सही है, कारण क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के विभिन्न हिस्सों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त होता है, जिससे मौसमी परिवर्तन होते हैं। ये कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा का उदाहरण है? मिस्टल, चिनुक, जोंडा, फॉन। तो इसमें से जो आपकी मिस्टल है ये ठंडी हवा है, मिस्टल ठंडी हवा है, ठीक है, बाकी अन्य जो है वो क्या है, गर्म हवाएं। मिस्टल आपकी ठंडी हवा है, ये कहाँ पर बहती है, ये आल्पस जो पर्वत श्रृंखला है, ये दक्षिणी फ्रांस वाला हिस्सा यहाँ पर है, जबकि अन्य जो चिनुक, जोंडा, फॉन, ये गर्म हवाएं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। यहाँ पर चार कारक दिए गए, बताना उपरोक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है, समुद्री धाराओं को। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्री धाराओं को नहीं, बल्कि जो ज्वार भाटे आते हैं, जो टाइड्स आते हैं, उनको प्रभावित करता है। तो समुद्री धाराओं को प्रभावित करने में समुद्री जल की लवणता और कोलेसिस प्रभाव का असर होता है। तो 2 और 3 मतलब सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त अटलांटिक महासागर में अवस्थित है? तो देखिए, आपके जो पेट्रो रिको गर्त है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। पेट्रो रिको कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। जबकि जो पहला है आपका डायमेटिना गर्त, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में अर्थात हिंद महासागर में, डायमेटिना गर्त हिंद महासागर। टोंगा गर्त जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में। मरियाना गर्त जो है ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में है, जबकि आपका मरियाना जो है पश्चिम प्रशांत महासागर में। आगे चलते हैं, दो सूचियां हैं उत्पत्ति क्षेत्र और उस उत्पत्ति क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है। तो देखिए, आपका प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जो चक्रवात आता है उसे टाइफून कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे तो नॉरिस्टर होता है। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत में बागुयो होता है, और उत्तरी हिंद महासागर में टेम्पेस्ट होता है। चार से मिलाइए, 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित समुद्रों में से किसे अत्यधिक उच्च लवणता वाली अति खारी झील माना जाता है? तो यह है मृत सागर या डेड सी, जो कि जॉर्डन की घाटी में स्थित है। यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल डमरूमध मतलब स्टेट, और वो किसको कनेक्ट करते हैं? जिब्राल्टर जल डमरूमध जो है अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को। सही है, मैगलन जल डमरूमध ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। जब आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे तो नीचे साइड में जो चिली और अर्जेंटीना है, तो इनके बीच में नीचे साइड में आप देखेंगे तो मैगलन जल डमरूमध जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये भी सही है। तीसरा, मलक्का जल डमरूमध अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के मध्य में है, ठीक है। तो तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, 1, 2, 3। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4-5 हैं, हम्बोल्ट धारा, गल्फ स्ट्रीम, लेबराडोर और बेगुला धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। इसमें से बताना कौन सी गर्म धारा है? तो इसमें से आपकी गल्फ स्ट्रीम और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा मतलब दूसरा और पांचवा ही गर्म जलधारा है, जबकि अन्य जो है वो शीत धाराएं या ठंडी जलधारा हैं, हम्बोल्ट, लेबराडोर और बेगुला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में बहती है? कौन सी नदी जो है वो कैस्पियन सागर में बहती है? बोल्गा, यूराल, डेन्यूब। तो देखिए, बोल्गा नदी जो है ये कैस्पियन सागर में बहती है, बोल्गा जो है कैस्पियन सागर में बहती है, यूराल नदी भी जो है कैस्पियन सागर में बहती है, परंतु डेन्यूब जो है ये कैस्पियन में नहीं बल्कि ब्लैक सी या काला सागर में गिरती है या बहती है। तो यहाँ पे पहला दूसरा मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कथन कारण का प्रश्न दिया गया है। कथन है कि रेगिस्तानों में अक्सर दिन और रात के बीच बड़े तापमान में अंतर का अनुभव होता है, मतलब दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत ठंडा होता है। ये सही है। कारण क्या है? क्योंकि रेगिस्तान में वनस्पति की कमी के कारण नमी कम हो जाती है, जिससे रात में तेजी से ठंडक होती है और दिन में तीव्र गर्मी होती है। कथन कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा।
महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटे या टाइड्स के लिए कौन सी घटनाएं उत्तरदायी हैं? तो इसके लिए देखिए, आपका सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल, ये तीन चीज़ें ही आपके लिए इसकी घटना के लिए उत्तरदायी हैं। तो पहला चौथा छठा डी ऑप्शन। अगला है दो सूचियाँ हैं, जलप्रपात और वो जलप्रपात किस देश से संबंधित हैं ये हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एंजल जलप्रपात वेनेजुएला, तो इसे वन से मिलाइए, या दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। योसेमाइट जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, दो से मिलाइए। इगाचू जलप्रपात जो है ये कहाँ का है, ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर है, तो तीन से मिला दीजिए। गुलफाश जो जलप्रपात है ये आइसलैंड, चार से मिला दीजिए, तो 1, 2, 3, 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है, तो डियागो गार्सिया द्वीप आपका हिंद महासागर में है, और कह सकते हैं डियागो गार्सिया जो है, जो आप मैप देखेंगे तो अफ्रीका जहाँ पे मेडागास्कर है, मेडागास्कर ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको डियागो गार्सिया द्वीप दिखाई पड़ेगा। दक्षिणी चीन सागर में निर्मित द्वीपों पर विचार कीजिए, ये चार द्वीप हैं, बोर्नियो, स्पेटली, हैनान, पालवान, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना है, उत्तर से नॉर्थ टू साउथ चलना है। तो देखिए, सबसे नॉर्थ में इसमें क्या है, सबसे नॉर्थ में आपका स्पेटली होगा, जिसको ये आपका दक्षिण चीन सागर में ये एक विवादित द्वीप है जिस पर वर्तमान में ताइवान का अधिकार है, परंतु इसको लेकर के ताइवान, वियतनाम और आपका चाइना, इनके मध्य में जो है विवाद है, ठीक है। तो स्पेटली हो जाएगा सबसे पहले, स्पेटली, फिर हैनान, ये भी आपका कह सकते हैं कि चीन के द्वारा शासित एक द्वीप है दक्षिण चीन सागर में, तो हैनान आ जाएगा, तीन। फिर इसके बाद पालावान है आपका चार, फिर आपका बोर्नियो आ जाएगा वन, सबसे दक्षिण में बोर्नियो आ जाएगा, तो 2, 3, 4, 1 जो कि कहीं विकल्प में नहीं दिया गया है, तो आप इस क्रम को याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों से लगती है, तो काला सागर और कैस्पियन सागर दोनों से लगती है, किसकी, रूस की जो सीमा है वो कैस्पियन और काला सागर दोनों से लगती है, जबकि जॉर्जिया की सीमा ब्लैक सी से लगती है, तुर्की की सीमा भी ब्लैक सी से, तुर्कमेनिस्तान की सीमा जो है वो कैस्पियन सी से लगती है, कैस्पियन सागर से लगती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सुमेलित नहीं है, पालो का शहर ऑकलैंड, विश्व की छत, पालो का शहर मतलब सिटी ऑफ सेल्स, मतलब जो नौकायान होती हैं जो पाल के सहारे चलती हैं उनका, ऑकलैंड है, विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तिब्बत, स्पाइस द्वीप मसालों का जो द्वीप है इंडोनेशिया है, भाईचारे के प्यार का शहर रोम नहीं है, ये आपका रोम नहीं है, ठीक है। यह है फिलाडेल्फिया, सिटी ऑफ ब्रदरली लव, यह है फिलाडेल्फिया जो कि अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, भौगोलिक विशेषता और किस क्षेत्र सम्मिलित है, जो कार्पेंथियन पर्वत है ये बाल्कन प्रायद्वीप से संबंधित है, ये कार्पेंथियन पर्वत जो है बाल्कन प्रायद्वीप जो है ये आपका जो पूर्वी यूरोप वाला हिस्सा यहाँ पर है। कार्पेंथियन पर्वत वास्तव में पूर्वी यूरोप में स्थित है और ये रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, पोलैंड और सर्बिया सहित कई देशों में फैले हुए हैं। सियेरा नेवादा ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, जाग्रोस पर्वत जो है ईरान और इराक में, ब्रुक्स रेंज जो है ये आपका उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, मतलब अंतःस्थली देश है कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका दक्षिण अमेरिका का बोलिविया और एशिया में आप आएंगे तो लाओस, तो बोलिविया और लाओस दोनों ही। अगला है, दो सूचियां हैं, शहर और वो शहर किस नदी के किनारे हैं, इसे हमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए, ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, ये रियो डी लाप्टा नदी किनारे, तीन से मिलाइए। केप टाउन जो है ये ऑरेंज नदी, दो से मिला दीजिए। प्राग जो है प्राग, ये वाल्तावा नदी, चार से मिलाइए। बुडापेस्ट जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे, वन, तो 3, 2, 4, 1 ये ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है भूमध्य रेखा किन दो देशों के बीच सीमा का कार्य करती है, तो ये प्रश्न ही गलत है क्योंकि इनमें से किसी भी देश के बीच देखेंगे तो डायरेक्टली जो भूमध्य रेखा है या इक्वेटर जो है वो दो देशों की सीमा नहीं बना रही है, ना ही पेरू इक्वेटर में, ना ही केन्या तंजानिया, ना ही कोलंबिया और वेनेजुएला, और ना ही नाइजीरिया और घाना में। तो ये क्वेश्चन ही हटा दीजिए। ओरिएंट एक्सप्रेस ऐतिहासिक रूप से पश्चिम में लंदन को और पूर्व में इस्तांबुल जो कि तुर्की की राजधानी इसको जोड़ता था, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये जो है रियो डी लाप्टा के तट पर अवस्थित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, दो सूचियां हैं बंदरगाह और किस देश का बंदरगाह, बुशान बंदरगाह दक्षिण कोरिया, चार से मिलाइए, बुशान जो है आपका दक्षिण कोरिया से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो कैलाओ बंदरगाह है, कैलाओ बंदरगाह पेरू का, मोम्बासा बंदरगाह, मोम्बासा ये केन्या का है, और टोरंगा बंदरगाह जो है टोरंगा ये न्यूजीलैंड का, तीन से मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4213 का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि मिसिसिपी नदी का प्राथमिक स्रोत क्या है, इटास्का झील, इटास्का एक हिमनद झील है, ध्यान रखिएगा, इटास्का एक हिमनद झील है जो कि अमेरिकी राज्य मिनेसोटा में स्थित है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन निर्माण के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो यह है कोलोराडो नदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, स्थान और उद्योग, लुसाका वायुयान के लिए नहीं है, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोटिव ये सही है, नगोया रसायन के लिए नहीं है बल्कि ये श्रुति वस्त्र के लिए है, जो आपका नगोया है, सॉरी ये रसायन के लिए नहीं बल्कि नगोया जो है ये जापान का मोटर कार उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। पिट्सबर्ग जो है ये आपका जहाज निर्माण के लिए नहीं बल्कि इस्पात उद्योग के लिए। अगला है कौन सी अफ्रीकी झील अपनी उच्च लवणता के लिए जानी जाती है, इसे दुनिया की सबसे अधिक खारे पानी की झीलों में से एक माना जाता है, तो यह नेट्रॉन झील, नेट्रॉन झील जो है आपका केन्या की सीमा के पास उत्तरी तंजानिया में स्थित है। स्वेज नहर के मार्ग पर कौन सी झील है, स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर को रेड सी से जोड़ती है, एक कृत्रिम झील है, इसमें आप देखें कई सारी जो है कृत्रिम झील बनाई गई है, उसमें से आपका एक तिमसा झील भी है, तिमसा झील। बालखस झील जो है आपका कजाकिस्तान में स्थित एक मीठे पानी की झील है, जबकि उर्मिया झील जो है ईरान में स्थित है और ये मध्य पूर्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तैमिर झील जो है ये साइबेरिया में स्थित है, रूस के साइबेरिया में, और मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन को किस अफ्रीकी देश से अलग करता है, तो ये आपका मोरक्को से अलग करता है, किससे, मोरक्को से, ठीक है, और ये जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए बुशमैन जो है, बुशमैन ये अमेजन बेसिन में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका में, इसलिए ए वाला गलत है। पिग्मी कांगो बेसिन, एस्किमो ग्रीनलैंड, शेमांग मलेशिया सही है। कौन सा देश रूस और यूक्रेन दोनों के साथ जमीनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर देखिए बेलारूस, रोमानिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, तो इसमें बेलारूस जो है ये रशिया और यूक्रेन दोनों सीमा साझा करता है, और मैप में आप देखेंगे तो पोलैंड भी जो है वो रशिया और यूक्रेन दोनों सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर ए और डी दोनों सही हैं। यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, नदी और उस नदी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है, इसे हमें सुमेलित करना है, तो देखिए यांगची नदी जो कि चाइना की, इसके किनारे आपका संघाई, वुहान, चोंगकिंग ये सभी शहर है, तो यहाँ पर दिया क्या है वुहान, तो चार से मिला देंगे, ठीक है। राइन नदी के किनारे आपका जर्मनी का कोलोन, स्विट्जरलैंड का बेसल, नीदरलैंड का रोटरडम, तो यहाँ पर बेसल दिया गया, तीन से मिला दीजिए। मिसिसिपी के किनारे संयुक्त राज्य अमेरिका के कई सारे जो हैं शहर हैं, आपका न्यू ऑर्लियंस है, मेम्फिस है, सेंट लुइस है, तो यहाँ पर न्यू ऑर्लियंस दिया गया है, तो दो से मिला दीजिए। डेन्यूब नदी के किनारे जो है ऑस्ट्रिया का वियना, हंगरी का बुडापेस्ट, सर्बिया का बेलग्रेड ये सभी हैं, तो बुडापेस्ट दिया गया, वन से मिला दीजिए, 4321 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंकन संरचना तेल और प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, मुख्य रूप से किस देश में अवस्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के कुछ हिस्सों में विस्तारित एक उपसतह चट्टानी संरचना है। अगला है वायु राशियों या कह सकते हैं एयर मास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन है, ये एक स्थानीय क्षेत्र के भीतर वायु की लघु क्षेत्र की गतिविधियां नहीं,
ये लघु क्षेत्र की नहीं बल्कि विस्तृत क्षेत्र की गतिविधियाँ, वायु राशियाँ लघु क्षेत्र की नहीं बल्कि वायु के विस्तृत क्षेत्र की संकल्पना है जिसमें वायु राशियों का विस्तार कई सौ किलोमीटर तक होता है। इनमें वायु की अनेक परतें पाई जाती हैं जिनमें तापमान एवं आर्द्रता लगभग एक समान होती है। यहाँ पर पहला कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक, दूसरा, इनकी विशेषता सर्वत्र तापमान और आर्द्रता के समरूप स्थित होती है। इसमें वायु राशियों की विशेषता में उनकी क्षैतिज दिशा में अपेक्षाकृत समान तापमान और आर्द्रता है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। कौन सा सही है? दूसरा वाला, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर स्थानांतरित खेती और क्षेत्र बताना, इन चार युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं। देखिए, चेना श्रीलंका की है, तुंगिया म्यांमार, रोका जो आपकी स्थानांतरित कृषि है ये कहाँ की है? ये थाईलैंड की नहीं, ब्राज़ील की है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। तमराई जो है ये ब्राज़ील की नहीं, थाईलैंड की है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन केंद्र। तो देखिए, तांबा, तांबा जो है ये चुक्की माता कहाँ पे है? चिली, सही है। टिन किंटा घाटी मलेशिया, सही है। आयरन सडबरी, जो सडबरी जो केंद्र है ये आयरन के लिए नहीं है, सडबरी जो है ये आयरन के लिए नहीं है। ठीक है, ये कनाडा के ओंटारियो में एक प्रमुख खनन केंद्र है जो कि आपका निकिल और तांबे संबंधित है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। कोयला डोनट्स बेसिन, सही है। डोनट्स बेसिन कहाँ है? ये यूक्रेन और रशिया में विस्तारित है। अगला है, वियतनाम में धान के खेत जो चावल उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत है कहलाते हैं मेकांग डेल्टा, मेकांग डेल्टा कहलाते हैं। ठीक है, मेकांग डेल्टा वियतनाम के दक्षिणी भाग में एक विशाल उपजाऊ क्षेत्र है जो दक्षिण चीन सागर के निकट पहुंचने पर मेकांग नदी द्वारा निर्मित होता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, बताना सही कौन से हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है, ये कथन आपका सही है। रूस विश्व का अग्रणी यूरेनियम उत्पादक है? नहीं, कजाकिस्तान जो है दुनिया में अग्रणी यूरेनियम उत्पादक है। तो पहला सही, दूसरा गलत। कौन सही है? पहला वाला। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक मुरंता सोने की खदान किस देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान के क्याजुल कुम रेगिस्तान में स्थित है। अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। पहला, पृथ्वी का निर्माण लगभग 2 अरब वर्ष पहले प्रारंभिक सौर मंडल में अवृत के माध्यम से हुआ था? नहीं, 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, 4.6, इसलिए गलत हो गया। दूसरा, पृथ्वी के निर्माण के प्रारंभिक चरण के दौरान उच्चतम तापमान जो है पृथ्वी तापमान तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण था? नहीं, ये कथन आपका गलत है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति एक बड़े आणविक बादल के भीतर एक क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण पतन से जुड़ी हुई है, ये सही है। तीसरा वाला कथन केवल सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर, अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। पहला, देशांतर रेखाएं हमेशा भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, ये कथन गलत है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं और भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण की दूरी को मापती हैं, ये कथन गलत है। दूसरा, अक्षांश रेखाएं ध्रुवों पर एकत्रित होती नहीं, ध्रुवों पर कौन एकत्रित होती हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, और प्रधान मध्यान के पूर्व या पश्चिम की दूरी को मापती हैं, ये कथन आपका गलत है। दोनों कथन यहाँ पर क्या है? गलत है। डी ऑप्शन, मतलब कौन से गलत है? तो दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है, कथन कारण का। तो देखिए, कथन है कि तमिलनाडु मानसून की एक अलग मौसमी स्थिति का अनुभव होता, सही है। कारण क्या है? पूर्वी घाट का भूगोल मानसूनी हवाओं को प्रभावित करता है जिसे तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसून की शुरुआत होती है, मतलब मानसून और लौटता हुआ मानसून दोनों। तो यहाँ पे पूर्वी घाट नहीं बल्कि पश्चिमी घाट है होना चाहिए। तो यहाँ पे कथन तो सही परंतु कारण गलत है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कारकों पर विचार करें, चार कारक हैं। उपरोक्त में से कौन सा कारक महासागर की लवणता को, जो सैलिनिटी होती है, उसको प्रभावित करता है? समुद्र की सतह से वाष्पीकरण, नदी का अपवाह समुद्र में गिरना, वायुमंडलीय परिसंचरण स्वरूप ध्रुवीय बर्फ पिघलना, ये सभी के सभी इसके लिए उत्तरदायी कारकों में है। डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। पृथ्वी पर वर्षा और सघनन, प्रसिपिटेशन एंड कंडेंसेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला, सघनन या कंडेंसेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी की बूंदों में बदल जाता है जिससे बादल का निर्माण होता है, सही है। वर्षा तब होती जब बादल छट जाते हैं और वायु में पानी की बूंदें वाष्पित हो जाती हैं, ये कथन गलत है। जब पानी की बूंदें वाष्पित हो जाएंगी तब थोड़ा होगा, जब वो सघनन हो जाएगा तब वो बरसात होता है। तो यहाँ पे पहला कथन सही, दूसरा गलत, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं।
सूर्य में मुख्य रूप से परमाणु संलयन की प्रक्रिया से गुजरने वाले हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा, सूर्य का निर्माण किसी सुपरनोवा विस्फोट के अवसर से संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरनोवा कब होता है? जब कोई जो तारा होता है जब मरने लगता है, जब उसका आखिरी वक्त जिसमें विस्फोट होता है, तब उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो जो सूर्य का निर्माण है, इसका निर्माण एक बड़े आणविक बादल के क्षेत्र में हुआ जो गुरुत्वीय संकुचन से गुजरा है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो सही कौन सा है? पहला वाला, ए ऑप्शन। अगला है सौर विकिरण। सौर विकिरण मतलब आपका सोलर रेडिएशन और सूर्यताप मतलब आयनोसोलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर तीन कथन दिए गए। पहला है कि सौर विकिरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को संदर्भित करता है, सही है। दूसरा, पृथ्वी पर सूर्यताप की उच्चतम तीव्रता आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है, ये भी आपका सही है। जिस कोण पर सौर विकिरण पृथ्वी की सतह से टकराता है वह प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है, 1, 2, 3। अपक्षय मतलब वेदरिंग और अपरदन मतलब इरोजन मतलब इंग्लिश। तो अपक्षय और अपरदन के संदर्भ में निर्मित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है? पहला, अपक्षय चट्टानों की संरचना को परिवर्तित किए बिना उन्हें छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया है, जबकि अपरदन में अपक्षयित चट्टानी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण और परिवहन शामिल है, दोनों ए भी सही है। तीसरा, यांत्रिक अपक्षय मुख्य रूप से चट्टान की संरचना में परिवर्तन करने वाली रासायनिक जो है प्रतिक्रियाओं के कारण होता नहीं, ये कथन आपका गलत है। यांत्रिक में ये नहीं होता है, ठीक है। यांत्रिक में आपका क्या होगा? यांत्रिक अपक्षय तापमान परिवर्तन, पाले की क्रिया, पौधों और जानवरों की गतिविधियों जैसी भौतिक शक्तियों के कारण होता है, जबकि रासायनिक अपक्षय में चट्टान की संरचना को परिवर्तित करने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यहाँ पे सी वाला जो विकल्प है वो सही नहीं है। डी, हवा और पानी अपक्षय और अपरदन दोनों के सामान्य कारक हैं, सही है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थापना का क्या कारण है? तो राष्ट्रों के मध्य ऐतिहासिक समझौते। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या आप इसे IDL कह सकते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो ज्यादातर प्रशांत महासागर में 180 डिग्री मध्यान रेखा 180वीं जो मध्यान रेखा इसके पास स्थित है। यह वह जगह जहाँ से पूर्व या पश्चिम की ओर यात्रा करने पर क्या होती है? तारीखें बदल जाती हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो तारीख एक आगे बढ़ जाएगी, पश्चिम की तरफ जाएंगे एक तारीख जो है पीछे चली जाएगी, घट जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के स्थान का चुनाव जो है वो देशों के बीच ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का परिणाम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पर्वत और देश। देखिए, सुमेलित है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं, सुमेलित है। टेबल पर्वत केन्या का नहीं, टेबल पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। डेनाली पर्वत जो है कोलंबिया में नहीं, डेनाली ये आपका, देखिए डेनाली जिसे पहले माउंट मैकेनली के नाम से जानते थे, अब माउंट मैकेनली का नाम डेनाली होगा, ये आपका कहाँ पे? अमेरिका के अलास्का में है। फूजी पर्वत मंगोलिया में नहीं, जापान में है। लोगान पर्वत कनाडा में है, लोगान पर्वत कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है और यूकोन क्षेत्र में स्थित है। अगला है, निम्न कथन की पहचान करें जो भूकंप के फोकस का सटीक वर्णन करता है। पहला, फोकस जो है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के उद्गम बिंदु के ठीक ऊपर का बिंदु होता है, तो इसे फोकस नहीं कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है, इपिसेंटर कहते हैं उसे। जबकि जो फोकस होता है पृथ्वी के भीतर वह बिंदु है जहां भूकंप उत्पन्न होता है, बिल्कुल, इसे हाइपोसेंटर कहते हैं। तो यहाँ बी वाला विकल्प सही है। अगला है कथन, यहाँ पे कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि अलनीनो घटना का वैश्विक मौसम की दशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, सही है। कारण, क्योंकि अलनीनो के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक गर्म होने से वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं जो दुनिया भर में मौसम की दशा को प्रभावित करते हैं। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। जेट धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? चार विकल्पों में, जेट धाराएं उच्च ऊंचाई वाली तेजी से बहने वाली वायु धाराएं हैं जो पूर्व से पश्चिम तक पृथ्वी को घेरती हैं, सही है। ध्रुवीय जेट धाराएं आमतौर पर उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराओं की तुलना में उच्च अक्षांशों पर पाई जाती हैं। जो ध्रुवीय जेट धाराएं होती हैं आमतौर पर उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराओं की तुलना में उच्च अक्षांशों पर पाई जाती हैं, सही है। जेट धाराएं मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद होती हैं जो मौसम को प्रभावित करती हैं लेकिन हवाई यात्रा को नहीं, ये गलत है। जेट धाराएं मुख्य रूप से आपका क्षोभ मंडल में मौजूद होती हैं जो मौसम को भी प्रभावित करती हैं और हवाई यात्राओं को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ पे सी वाला जो विकल्प सही नहीं है, डी, जेट धाराओं का निर्माण मुख्यतः वायु राशियों के मध्य तापमान के अंतर के कारण होता है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, झील और देश। देखिए टिटिकाका झील ब्राजील में नहीं बल्कि यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर अवस्थित है। बैकाल झील रूस में है, तंगानिया या टंगानिया तंजानिया में है। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। ग्रेट बियर अथावास्का विनिपेग ये सभी जो हैं आपका कनाडा में है। ठीक है अगला है, इमैनुअल कांट निम्नलिखित में किस परिकल्पना के प्रस्ताव संबंधित रहे, तो ये निहारिका परिकल्पना, ग्रहों की जो मतलब निर्माण की प्रक्रिया है, कह सकते हैं कि ब्रह्मांड संबंधी जो मॉडल है सौर मॉडल की उत्पत्ति के लिए जो ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है वो है आपका, इसके संबंध में जो निहारिका परिकल्पना दी थी वो इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई थी। दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत एकांगुआ है। एकांगुआ जो है आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ये। ठीक है एकांगुआ, तो इसको याद रखिएगा, ये एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु है एकांगुआ। कौन सी जलसंधि इटली की मुख्य भूमि को सिसिली द्वीप से अलग करती है, तो ये है मेशानी जलसंधि। जबकि जिब्राल्टर जो है ये आपका क्या करती है, ये मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। ठीक है आप इसके अतिरिक्त आपका जो बी वाला है बोनीफेशियो जो है ये आपका इटली के सार्डिनिया और फ्रांस के कोर्सिया जो द्वीप हैं इनको अलग करने का कार्य करती है, ये भूमध्य सागर में ही है। बोस्पोरस जलसंधि जो है ये आपका ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से अलग करती है। अगला निम्नलिखित राजधानी शहरों को दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित करना है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है, तो देखिए आपका टोक्यो जापान है, जापान का राजधानी है, मॉस्को रशिया का है, ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना का, काहिरा आपका मिस्र का। तो अब इन देशों को क्रम से लगाइए दक्षिण से उत्तर, सबसे दक्षिण में आपका क्या होगा अर्जेंटीना, उसके बाद आपका मिस्र आएगा, मिस्र के बाद जो है आपका जापान, फिर आपका रशिया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।